हम एक ऐसे बिहारी पकवान की बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ऐसी पकवान दुनिया में कहीं नहीं बनाई जाती। ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिहार के लोग भी देश से निकलकर दुनिया भर में गए और अपने साथ बिहारी संस्कृति की खुशबू भी साथ ले गए। यह एक ऐसा पकवान है जो बिहार से निकलकर अब यूरोप के देशों तक पहुंच चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि हम यहाँ किस पकवान की बात कर रहे हैं। इस व्यंजन का गोल सा आकार है। बिहारी संस्कृतियों में बेटियों के लिए माँ का प्यार है। छठ से है इसका रिश्ता पुराना, जिसे खाकर लोग हो जाए दीवाना। इसके बिना छठ भी अधूरा है, बच्चे बूढ़े सब खाना चाहे इसे पूरा है। इसे तलना भी एक कला है, गरीबों सा इसका नाम पड़ा है। हम बात कर रहे हैं बिहार वासियों की शान, छठ और तीज जैसे पूजा की जान ठेकुआ की। इसे दूसरी भाषा में खजुरी या फिर ठिकरी भी कहा जाता है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी मशहूर है। इस पकवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह छठ महापर्व का मुख्य प्रसाद है। ठेकुआ के लिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इसके बिना छठ का महापर्व पूर्ण हो ही नहीं सकता, जिस कारण यह पकवान सिर्फ एक साधारण पकवान नहीं रह जाता। छठ में भगवान भास्कर को समर्पित अन्य सामग्री के साथ ठेकुआ के प्रसाद का होना उतना ही जरूरी होता है जितना बांस से बने सूप और गन्ने का होना। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत बिहार में सालों पहले हथवा राजवंश की रसोई से निकला एक शाही पकवान है, जिसे प्राचीन काल में केवल हथवा राजवंश की रसोई में ही बनाया जाता था। आपको बता दें कि यह खाने में जितना ही स्वादिष्ट है उतना ही इसका नाम अनोखा है। जानकार लोगों का कहना है कि इसका नाम ठेकुआ इसलिए रखा गया क्योंकि इसे बनाने से पहले सही एवं सुंदर रूप दिया जाता है। ऐसा करने के लिए इसे पत्थर या लकड़ी के बने एक सांचे में रखकर हाथों से ठोका जाता है, जिस कारण इसका नाम ठेकुआ रखा गया। गेहूं के आटे, चीनी या गुड़, मेवे और ड्राई फ्रूट से बने इस पकवान के नाम को सुनकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। ठेकुआ को एक बार बनाकर 10-15 दिनों तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसी खूबी के कारण लोग इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से ले जाते हैं। साथ ही यह लंबी दूरी पर जाने वाले यात्रियों के लिए भी एक सहूलियत का भोज्य पदार्थ है। लोग यात्रा के दौरान अक्सर इसे अचार या सब्जी के साथ चटकर जाते हैं। हमारी बिहारी संस्कृति में ठेकुआ को बेटियों के लिए माँ का प्यार भी माना जाता है। दरअसल हमारे बिहार में बेटियों की शादी के बाद दौरा भेजने का रिवाज है। इस दौरा में तमाम तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें बतासा, खाजा, खजली, बेलग्रामी, गाजा, मोतीचूर इत्यादि के साथ ठेकुआ जरूर शामिल होता है। आपको बताते चले कि दौरा एक खास तरह का सजाया हुआ टोकरी अर्थात डाली होता है, जिसे लोकल भाषा में विशेष अवसर पर सजे हुए इस टोकरी को दौरा कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितना सादा इसका नाम है उसे तलना उतना ही कठिन है। लोगों को यह भी कहना है कि इसे तलना भी एक कला है। कुछ लोग इसे कड़ा तलते हैं, कुछ झूठ, तो वहीं किसी से इसका रंग डार्क हो जाता है, जिस वजह से इसका स्वाद भी अलग हो जाता है। ठेकुआ की कहानी सिर्फ छठ से शुरू होकर कला तक ही खत्म नहीं होती। लोग ठेकुआ से जुड़ी खासियत को बताने और अपना प्यार दिखाने के लिए कई तरह के लाइनों का भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आपको ऐसी ही कुछ लाइनों को आज बताते हैं, जिसे सुनकर आपके मन में भी ठेकुआ खाने की इच्छा जग उठेगी, जिनमें कुछ लाइनें ऐसी हैं। तुम चॉकलेट वाली उत्तम नारी, मैं ठेकुआ जैसे ठेठ प्रिय, परसादी वाला ठेकुआ के बतिये एकदम विशेष बा, काहे की घूलल बाटे एकरा में छठी मैया के आशीष बा। इस तरह ना जाने कितने लाइन ठेकुआ के लिए लिखे गए हैं। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ठेकुआ खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हमारे सेहत को दुरुस्त रखने में भी काफ़ी मदद करता है। चलिए हम अब आपको ठेकुआ के लाजवाब फायदे भी बताते हैं। दिल रखे स्वस्थ। इस हेल्दी डिश को बनाने में देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। घी में मोनोसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक होती है। इसका सेवन करने से दिल स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें मौजूद सूखा नारियल भी खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काम करता है। ऐसे में दिल संबंधी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कम रहता है। शरीर में गर्माहट लाए। इसमें सूखा मेवा होता है जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ऐसे में आप सर्दियों में से अपनी डाइट में शामिल जरूर कर सकते हैं।
वजन रहेगा कंट्रोल। आटे और घी से तैयार इस रेसिपी को खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है, इससे वजन कंट्रोल रहने में मदद मिलती है। ऐसे में बढ़ते वजन से परेशान लोग ठेकुआ का सेवन कर सकते हैं। बढ़ेगी एनर्जी। ठेकुआ बनाने में गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विटामिन B1, B3, ई, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। इसका सेवन करने से शरीर में एनर्जी लेवल तेजी से बढ़ता है। ऐसे में जो लोग जल्दी ही थकान व कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें अपनी डाइट में ठेकुआ जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसे में इसका सेवन करने से इम्यूनिटी तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। ऐसे में सर्दियों में सर्दी, जुकाम, मौसमी बीमारियों व संक्रमण की चपेट में आने का खतरा कम रहता है। आज के लिए बिहारी जायका में इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।